माननीय अध्यक्ष जी, पूरी चर्चा का तो मैं बाद में जवाब दूंगा। काफी सारे सदस्यों के मन में ये चीजें पड़ी हैं कि ये जो प्रस्ताव, संकल्प और बिल मैं लेकर आया हूं उसकी कानूनी वैधता क्या है, संवैधानिक पोजीशन क्या है। तो मैं सबसे पहले सभी सभासद इस पर पूरी जानकारी के साथ चर्चा में हिस्सा ले सके, इसलिए इसकी कानूनी और संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। सभापति माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय ने कल एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 साइन किया है। इसके तहत 370(1)(d) अनुच्छेद 370 के 1(d) का उपयोग करते हुए ये एक संवैधानिक ऑर्डर उन्होंने पास की है, जिसमें भारत के संविधान के सारे अनुबंध जम्मू और कश्मीर के संविधान को लागू होंगे, और इसका मतलब है कि 35A चली गई। और 367 और 370(1)(d) को एक साथ में पढ़ते हुए जो अधिकार प्राप्त होता है, वो अधिकार के तहत राष्ट्रपति महोदय ने एक जहां जहां भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू और कश्मीर लिखा गया है, वहां पर इसको जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा जाए, इस प्रकार का भी इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के अंदर उल्लेख किया है। और एक रेजोल्यूशन है जो मैंने अभी पढ़ा, जिसके तहत धारा 370(3) का उपयोग करते हुए कश्मीर के अंदर कश्मीर के बारे में जो 370 का उपयोग हो रहा है, इसको सीज करने का एक प्रस्ताव अगर सदन इसको अनुमति देता है तो राष्ट्रपति महोदय कल या परसों उनकी अनुकूलता से इसको साइन करके गैजेट में प्रसिद्ध करेंगे। और तीसरा बाइफर्केशन एक्ट लेकर मैं आया हूं, इस पर मैं बाद में बताऊंगा। सभापति महोदय, एक सवाल कल भी अपर हाउस में उठा था, आज भी काफी सारे सदस्यों के मन में ये बात है कि भाई ये अधिकार कहां से प्राप्त होता है। मैं सारे सदन के उपयोग के लिए आर्टिकल 370 जो है, आर्टिकल 370 की धारा 3 को पढ़ना चाहता हूं, और सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनिए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल, द प्रेसिडेंट मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट दिस आर्टिकल शैल सीज टू बी ऑपरेटिव और शैल बी ऑपरेटिव ओनली विथ सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एंड फ्रॉम सच डेट एज ही मे स्पेसिफाई। राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है एक नोटिफिकेशन निकालकर धारा 300 पढ़ता हूं, पर बैठ, अरे बैठो जो, अरे पूरा सुनिए भाई, पहले सुनिए, बैठिए, आप जो पूछेंगे सब चीज का जवाब दूंगा। बालू साहब, मन में सोचते इस तरह से दुनिया नहीं चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है। आप मुझे पहले सुनिए सभापति महोदय, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि धारा 370(3) का, धारा 370(3) का उपयोग कर राष्ट्रपति महोदय 370 को सीज कर सकते हैं, संपूर्ण तरीके से सीज कर सकते हैं, ये इनका अधिकार है। मगर उसमें राइडर डाला हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट रिफर टू इन क्लोज टू शैल बी नेसेसरी बिफोर द प्रेसिडेंट इश्यूज सच ए नोटिफिकेशन। तो राष्ट्रपति महोदय तभी ये नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं जब जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अनुशंसा हो। तो राष्ट्रपति महोदय के जो अधिकार है उस पर जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुशंसा को बाद ही करने का एक राइडर संविधान ने लगाया है। अब मैं आता हूं मान्यवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। मैंने जो पहले उल्लेख किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 निकाला है, इसमें राष्ट्रपति महोदय ने
367 रेड विट 371D इसका अधिकार का उपयोग कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मींस लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू और कश्मीर ये शब्द प्रयोग किया है। तो अब ये अधिकार आता है जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कि वो राष्ट्रपति महोदय को अनुशंसा करे कि आप ये अधिकार का उपयोग कर सकते हो। अब काफी सारे सभासद होंगे ये कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं इतिहास उनको बताना चाहता हूं। इस प्रोविजन का उपयोग कांग्रेस ने इसी रास्ते से दो बार किया है, पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1965 में। 1952 में 371D का उपयोग करते हुए उन्होंने महाराजा की जगह सदरे रियासत किया, महाराजा का नाम निकालकर सदरे रियासत किया, और 1965 में सदरे रियासत की जगह गवर्नर किया। मेरा इतना ही कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी इतना जो हो हल्ला कर रही है, उनके शासन में दो बार राष्ट्रपति महोदय, भाई अब आप महोदय ये ठीक नहीं है, महोदय ठीक नहीं है, इतना जो हो हल्ला कर रहे हो इसका दो बार उपयोग राष्ट्रपति महोदय ने अपने अधिकार का उपयोग कांग्रेस के शासन में कैबिनेट की अनुशंसा से ही किया है। कैबिनेट मतलब सरकार।